नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजकुमार और रोपड़ से पंजाब से आया हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, गांव कोटला निहंग और न्यू कॉलोनी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? मैंने सर 12/15/2017 को ली। क्या करते हैं आप? मैं सर वेल्डिंग का काम करता था फैक्ट्री में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? सर ऐसा है कि मैं बहुत सारे पहले भक्ति भी करता था, माता के जागरण करता था, तो हमारे पे कष्ट से कष्ट टूटते जा रहे थे। तो हमारे जो पिताजी थे वो बहुत कई सालों से, मेरे होश संभालने से पहले ही वो निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। तो मैंने आशुतोष जी महाराज से भी नामदान ले रखा था, तो कहीं ना कहीं वो भक्ति से मेरे को आराम नहीं था मिल रहा, कोई घर में बरकत नहीं थी पैसे की, और वैसे भी हमारे खर्चे पे खर्चा और दुख तकलीफें बहुत थी, और प्रेतवादा ऐसी थी कि हमारे को कि कई बार जागरण करते करते ही वहाँ से ही मेरे को हुआ, तो ऐसा मैं खेलने लग गया था जागरण में, खेलने लग गया तो कभी कभी इतना क्लेश होना घर में, और कभी कभी मिट्टी का तेल उठा के अपने ऊपर डाल लेना कि मैं मर जाऊंगा, इतना प्रेतवादा से हम परेशान थे बहुत। तो हुआ क्या ही, ऐसे ही कभी कपड़े फाड़ देने, भाग जाना, हमारे पास नज़दीक ही नहर है कि मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा। तो मेरे तीन लड़के थे सर, तीन लड़कों में से एक मेरा बेटा भी ऐसे ही ब्लड कैंसर हो गया था उसको, 5 साल की उम्र में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि भगवान, सभी बोलते हैं कि माता के शुरू से ही, मेरी ना बचपन में माँ मर गई थी सर, मैं 6 महीने की उम्र थी मेरी, तो जो मेरी मदर थी, मेरा सर यहाँ से पूरा गल गया था, यहाँ से हड्डी निकल गई थी एक यहाँ से, तो पूरा डैमेज हो गया था। तो मेरी मदर इसी चक्कर में मर गई कि नहीं ये बचेगा नहीं, तो सर मदर तो मर गई, फिर मैं बच गया, मेरा अमृतसर में ऑपरेशन हुआ इसका। तो मेरे जब मैं होश संभाली तो मेरी मदर की कोई फ़ोटो भी नहीं थी घर में, मैंने को नहीं था पता माँ कैसी होती है। तो सर जी मैंने जब होश संभाली तो मैंने माता दुर्गा को, और मैं यही सोचा कि यही जगजननी है, यही सृष्टि की रचनहार है, तो मैं माता को बहुत मानता था, सबसे ज़्यादा इतना मैं करता था कि जो भी करते ही माता ही करती है, तो सारा कुछ इतनी भक्ति करता था कि मैं एक दो बार माता ने मेरे को दर्शन दिए, मैं नैना देवी साल में 2 बार 3 बार और कई बार साल में 1 बार जरूर जाता था, तो जागरण भी करता था मैं, हमारे गांव में जागरण पार्टी थी, तो मैं शुरू से ही जागरण के बहुत मेरा होता, गाने बजाने में रुचि थी। तो जब मैं माता को एक दो बार, मेरे को माता भी दिखाई दी, दर्शन दिए माता ने, तो इतना मतलब मेरे को कोई लाभ नहीं था मिलता, मैं बोलता था कि मैं इतनी भक्ति भी करता हूँ माता की, और मैं निरंकारी पंथ में भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ससुराल वाले, मेरी शादी भी निरंकारी पंथ के हिसाब से ही हुई थी। तो ये सारा कुछ करते करते मैं फिर मैंने ये छोड़ के मैंने आशुतोष जी के पास भी गया, तो उन्होंने भी जो साधना बताई थी कि ऐसे 2.5 घंटे 3 घंटे बैठना है नाक कान मूंद के, तो अपनी जीव है जो तालु को लगानी है, तो साधना करनी है तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो भी बोलते कि प्रकाश दिखता है, झुनकार दिखेगी, सुनाई उसको सुनना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता था कि परमात्मा, हम ऐसे हैं तो परमात्मा कैसा होगा, परमात्मा हमारे, हमको जिसने बनाया है वो हमारे जैसा ही होना चाहिए, कि ये लोग कैसे बताते हैं कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। तो मेरे को जचती नहीं थी बात वो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता था कि परमात्मा आप कहाँ हो, कैसे मिलोगे मेरे को। तो इतना कष्ट होते होते आखिरकार मेरे 2011 महीने 17 को 4 तारीख को मैं फैक्ट्री में 2nd सैटरडे को सुबह 10 वाली चाय पी के काम कर रहा था सीढ़ी पे ऊपर, तो नीचे बहुत बड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था लोहा, तो मैं ऊपर से गिर गया सर जी, मेरे को नहीं पता, मेरे ना महीने में 2 महीने में ऐसी चोट लगती थी कि बड़ी कसूती चोट लग जाती थी, बहुत देर, बहुत चोटें भी लगती थी। तो
ऐसे करते करते मैं कह ये भी भगवान मेरे पे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, हमारे घर में इतना क्लेश। और सर जी मैं नशा इतना करता था ना कि मैं दारू पिए बिना नहीं था रह सकता। एक बार ऐसे ही जैसे मिट्टी का तेल डाल लेना, एक बार मैंने लुधियाने में अपने भाई के पास गया हुआ था तो ऐसे कहा सुनी हो गई हमारी, घर पे झगड़ा हुआ तो मेरे को वहाँ, भाई मेरा जॉब करता था लुधियाना में, मैं वहाँ उनके पास गया तो मैंने वहाँ पे लेटरिंग में जो डालते हैं तेजाब वो मैंने पी लिया। पी लिया तो सर मेरे नाक से मुंह से सारी चर्बी निकल गई, मेरा जीरो हो गया शरीर। मेरे को DMC हॉस्पिटल लुधियाना में लेके गए तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि नहीं ये नहीं बचेगा भाई, इसने इसको ले जाओ। तो मैंने कहा कि बोलती बंद हो गई, जीभ नहीं थी चल रही, तो मैं इशारे से बात करता था कि मेरे को घर ले जाओ। सर इतनी सारी समस्या आप गिनवा रहे हैं, लेकिन जिन संतों का आपने नाम लिया कि निरंकारी पंथ से आप जुड़े हुए थे, आशुतोष महाराज से आप जुड़े हुए थे, वो तो यही कहते हैं ना कि प्रारब्ध का कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो फिर समस्या क्या थी, आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ी? सर जी ऐसा है, सभी बताते हैं कि जो जो पाप कर्म है इंसान को ये भोगने पड़ते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं और जो कबीर साहब हैं जिन्होंने भी संतों भक्तों ने ये भक्ति की है तो यही बताते हैं कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है वो पाप कर्म दंड को काट देता है और भक्त को पूर्ण शक्ति से अपनी से उसको मोक्ष देता है, अर्थार्थ भक्ति जिसको मंत्र मिल जाता है पूर्ण परमात्मा की भक्ति। क्या जो आपने समस्या गिनवाई, जो जो तकलीफें आपको थी, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई वो? 100% सर बिल्कुल। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? सर जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली को अभी 1 महीना ही हुआ था, तो जनवरी का महीना था तो मैं रात को 1 बजे, मेरे को जमदूत ले गए यहाँ से, तो वहाँ नरक था, ऐसे कुत्ते टाइप के थे जो जानवर थे और वो बोल रहे थे, और चार दो बंदे मेरे इस बगल खड़े थे, दो इस बगल, तो मेरे को पकड़ के बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी टाइम इतनी मेरे को पीड़ा हो रही थी, तो पीड़ा के बीच में तो मेरे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि मैं माता के जागरण भी करता हूँ, भक्ति करता हूँ माता की, और मैंने निरंकारी पंथ से भी जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना आशुतोष महाराज जी के पास भी वो भी भक्ति की है। तो आखिर में जब नहीं मेरी पीड़ा कम हुई, नहीं छोड़ रहे थे, तो फिर याद आया मेरे को कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया हुआ है, तो मैंने बोला कि मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया हुआ है, तो बोलते कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, मैंने कहा वो तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कि वो तो वेद शास्त्रों को सारा को खोल के बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वहीं प्रगट हो गए। जो लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, वो वहीं प्रगट हो गए। प्रगट हुए जब तो वैसे मेरे को बहुत पीड़ा हो रही थी, मेरे को पकड़ा हुआ था, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, बहुत सफेद वाहन था उनका, तो जैसी वेशभूषा मैंने उनकी चित्र में देख रखी थी वैसे ही, तो मैंने बड़ा सोचा कि गुरु जी तो ऐसे चले गए निकल के, तो मेरे को छुड़ाया तो है नहीं जैसे हमारी आम आदमी की वृत्ति होती है। तो वो तो बताया कि संत जो होता है उसके वचन में शक्ति होती है, तो जब चले गए गुरु जी तो मैंने कहा कि गुरु जी ने तो मेरे को नाम दे रखा है, तो मैंने जो प्रथम मंत्र मेरे को मिले हुए थे 7 मंत्रों से पहले मंत्र है जो, तो मैंने उसका उच्चारण करना शुरू कर दिया जोर जोर से, तो करने वो छोड़ के मेरे को ऐसे गिर गए, पासे हो गए मेरे से, तो जो जानवर ने मेरे को पकड़ रखा था तो मैंने उसको गुरु जी का नाम लेके ऐसे फाड़ दिया, तो जब मेरी आत्मा कड़क से मेरे शरीर में जब डली, तो जब शरीर में डली तो मेरा शरीर काम करना ही बंद कर गया था और पूरा भीगा पड़ा था, मेरी रजाई मेरा बेड पूरा भीगा हुआ था, तो मैंने कहा हे परमात्मा मैं तो बच गया आज, फिर मेरा शरीर नहीं था जब काम कर रहा था, मैंने फिर वो सोचा कि गुरु जी ने जब बताया कि जो कोई भी टेंशन हो कोई भी समस्या आए तो आपने मंत्र जाप करना है या नित्य नेम करना है, तो मैंने जब देखा कि 3 बज चुके हैं, तो
तो मैंने सर रात को, मेरे को पता है मैं फ़ोन इतनी दूर टीवी के पास रखा हुआ था, तो मैंने कहा मेरा तो फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। जब मैंने हाथ ऐसे मारा तो मेरे सिरहाने नीचे फ़ोन था, तो जब मैंने फ़ोन चलाया तो उसमें नितनेम सुना मैंने और गुरु जी का स्वरूप देखे, तो मेरा शरीर नॉर्मल हो गया बिल्कुल। नॉर्मल होने के बाद मैंने जब नितनेम किया तो मैं सो गया, फिर नितनेम करने के बाद। उसके बाद गुरु जी आए संत रामपाल जी महाराज और मेरे को वो नज़ारा दिखाया सर, जो मैं आज हर किसी को बता सकता हूँ कि मेरे को संत रामपाल जी महाराज ऊपर ले गए। जो कहते हैं कि भगवान निराकार है, वहाँ कुछ नहीं है, हमारा एज इट इज शरीर ऐसा ही था, बिल्कुल प्रकाशों में ही शरीर था, दूध जैसी नदियाँ चल रही थी, वहाँ सफ़ेद रंग के वृक्ष थे और सफ़ेद ही हंस जैसे इंसान थे सभी, और उड़ के चल रहे थे सभी। ये मैंने जब चमत्कार सारा देखा तो गुरुजी, मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो दिन मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर में अभी भी सर लू कंडे खड़े होते हैं मेरे, इतना परमात्मा ने मेरे को वो दिखाया। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितना भी संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्राना करूँ, जितना भी नाम लूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, कबीर साहब का ही ज्ञान बता रहे हैं। हम कबीर साहब को एक आम नागरिक, आम एक जान के छोड़ रखा था। तो ऐसे ही एक बार मेरे बेटा है 18 साल का है, रोहित कुमार है उसका नाम, तो वो लैटरिंग बैठा था तो रोता बहुत था। मेरे को मेरे घर वाली बोलने लगी कि ये इसको कोई तकलीफ है, इसको ले जाओ हॉस्पिटल दिखाओ। तो सर मैं उसको पूछा कि क्या बात है, कहता डैडी मेरे को लैटरिंग नहीं आती है, मेरा बहुत बुरा हाल है सर जी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसको तो बवासीर है भाई। तो उन्होंने पर्ची पे दवाई लिखती 1300-1400 की, बोलते कि ये 10-15 दिन इसको दवाई खिलाओ, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनता था कि गुरुजी ऐसे लाभ देते हैं सारा। तो सर जी मैंने संत रामपाल जी महाराज को जब प्रार्थना लगाई तो गुरुजी ने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो वैसे जब बोला तो आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉब्लम पता ही नहीं कहाँ चल गई। आज बेटे को 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बिल्कुल सही है। पहले हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी ठीक, आज वो भी बहुत बढ़िया हो चुकी है। तो पहले हम साइकिल से तंग थे, आज परमात्मा ने हमको 2-2 मोटरसाइकिल दे रखे हैं, और परमात्मा आगे आगे भी, मेरे को इतना विश्वास है कि जो परमात्मा हमारे शरीर की बीमारियों को नाश कर सकता है, हमको सुख दे सकता, आगे हमको परमात्मा बहुत कुछ देंगे। और मेन हमको तो यही परमात्मा से चाहना है कि हम मोक्ष प्राप्त करें और हमारी भक्ति को सफल बना के हमको गुरु जी संत रामपाल जी महाराज सतलोक ले कर जाएँ। ऐसा क्या सर, जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो मंत्र जाप देते हैं, वो पूरे शास्त्र वेद गीता बाइबल कुरान शरीफ को खोल खोल के पढ़ाते हैं कि बच्चों ये जो ज्ञान है ये ऐसा है जैसे हम स्कूल में कुरान शरीफ बाइबल, ये तो पहले भी थे, पहले भी तो लोग पढ़ ही रहे थे, इनको पढ़ रहे थे सर, पर कहते हैं ना जैसे गीता जी में लिखा हुआ कि वो पूर्ण संत है, जो वो तत्वदर्शी संत है, वो जो तत्व ज्ञान का जो करता है कि हे अर्जुन, जो जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी पूजा करते हैं उनको ना तो कोई सुख ना सुबृद्धि और ना ही उनकी गति होती है। तो आपके कहने का जो मतलब है कि बाकी के जो संत हैं वो शास्त्र विधि से अलग भक्ति बता रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई भी शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति नहीं बताता इस संसार में, क्योंकि मैंने बहुत जगह जाके देख लिया, मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, वो जो अपने हिसाब से वो बोलते फलाने भक्त की कथा सुना। लेकिन ये बात बताइए आप, आपने कहा कि आपने नशा भी छोड़ दिया, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से और नशा छोड़ने से ये बात कहाँ पर मैच करती है? ये तो अपने आप में कहीं लॉजिक ही नहीं बनता कि आपने शास्त्र विधि अनुसार भक्ति की और आपका नशा छूट गया। सर जी ऐसा है, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है, इसमें इतनी शक्ति है ना संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं, जो भी हमारे देवी देवते जिनको हम पहले पूजते थे, हम श्राद्ध भी करते थे, पितरों की पूजा करते थे, व्रत भी करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिरों में मत्था टेकते थे, जो हमारी समस्या थी वो कभी हमारी टलती नहीं थी। लेकिन ये तो हर संत कहता है कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसा ही संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, तो फर्क क्या है? सर जी कहने और करने में बहुत फर्क है।
लेकिन नशा तो व्यक्ति को ही छोड़ना पड़ता है ना आखिरकार, नशा चाहते तो आप पहले भी छोड़ देते। नहीं सर जी, ये ऐसा गंदा जो कुआ है ना, इसमें से निकला नहीं जाता, ये लग तो जाता है, छूटता नहीं है। अब कैसे निकल गए आप? अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति बताई है, जो मंत्र जाप दिया है, तो मैंने वो मंत्र जाप कंटिन्यू करता रहा। मंत्र जाप से नशा छूट सकता है? हाँ जी बिल्कुल, 100% मंत्र जाप से नशा छूट जाता। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कोई भी नशा नहीं करता? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाथ तक नहीं लगाएंगे नशे को, करना तो दूर की बात, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। जो जिसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, उसका नशा 100% छूट जाएगा। सिर्फ करना क्या है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति बताते हैं उसको विधि अनुसार करना है, जैसे वो बोलें वैसे करना है। जैसे अच्छा, आपने बताया कि आपको भूत प्रेत की भी बाधा थी, तो वो कैसे ठीक हुई फिर? सर जी ऐसा है, जब मैंने नामदान ले लिया था तो मेरे को उस टाइम भी ये लगता था कि मेरे को पीछे से कोई मार देगा, ऐसे बहुत देर ऐसे होता रहा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, जैसे जैसे मैंने भक्ति प्रारंभ की, करता रहा भक्ति, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो भूत प्रेत की बाधा थी वो अपने आप हट गई, मेरे पीछे हट गई, तो आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं। पहले मेरा वजन 48, 49, 50 यहीं खड़ा था, आज मेरा 63, 64 किलो वजन है। बिल्कुल मैं नशा नहीं कोई करता, सारे काम करता हूँ, मेहनत तो मजदूरी करता हूँ, कोई मैं ये भी नहीं। पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, मेरे पास 2 पैसे नहीं थे जुड़ते, आज परमात्मा की दया। लोग तो ये कहेंगे ना कि आज भी आप मजदूरी करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी में इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, तो फिर आप अफसर क्यों नहीं बन गए, बड़े आदमी बड़े सेठ क्यों नहीं बन गए? नहीं सर, ऐसा है जो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान के आधार से अगर हम देखें, नानक जी कबीर परमेश्वर खुद यहाँ धरती पर रहे, परमात्मा इस मोह जाल से हमको निकालते हैं। हम अगर मान लो कि हम ये तो जादूगर कर सकता है, तो जादूगर की जादूगरी हो गई कि हम वो तो पैसा हाथ पे सरो जमा देगा, पर उसमें भक्ति में और उसमें बहुत अंतर है, क्योंकि भक्ति है जो भक्ति करते करते हमको वो चाहिए जो हमको यहाँ नहीं मिल सकता। लेकिन उद्देश्य भक्ति करना है, पैसा नहीं। हाँ, हमारा भक्ति करके हमको मोक्ष प्राप्त होना, क्योंकि गीता जी में भी जैसे बताया कि मानुष्य जन्म दुर्लभ है। अच्छा एक बात बताइए, लोग बहुत सारे दुखी हैं, जैसे आप दुखी हैं, आपसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, और बहुत सारे कष्ट लोगों को हैं, वो चाहते हैं कि उनके कष्ट दूर हो जाए, वो नशा भी छोड़ दें, तो अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो कितने दिन में उन लोगों की समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, जैसे ही नाम दीक्षा लेंगे संत रामपाल जी महाराज से, जैसे वो विधि बताएंगे वैसे विधि से करना, जो सत्संग आता है साधना चैनल पे उसे कंटिन्यू सुनना है, जो सत्संग मेमोरी कार्ड देते हैं, आरती देते, रमैणी देते दोपहर की, नित्यनेम सुबह का, जो जैसे जैसे करते चलेंगे ना, तो अपने आप ही उनकी सारी समस्याएं क्षण में दूर हो जाएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हैं जो शास्त्रों के अकॉर्ड भक्ति बताते, एक एक शास्त्र को खोल के बताते हैं कि बच्चों इसमें ऐसे लिखा है, हम ऐसे कर रहे हैं। तो जब मैंने पहली बार सत्संग सुनते सुनते, जिस दिन मेरे को ये, तो सर मैं फैक्ट्री में गिर गया था, तो मेरे चोट लगी हुई थी, चोट लगी तो ये पूरा पासा मेरा डैमेज था, मैं चल फिर नहीं था सकता, बेड पे लेटा हुआ था, दवाई भी खाता था, जो मेरा नशे की लत लगी हुई थी उससे नहीं था मैं रह सकता, मीट मछली जो भी नशा था मैं छोड़ता नहीं था कोई नशा, मेरे को ये नहीं था पता कि मैं मर जाऊंगा या नशा, नहीं मेरे को इतना ही नहीं था, बस मैं नशा करने का मतलब था, मेरे को नशा जो भी हो चाहे जाए, मतलब मरना मंजूर था, नशा नहीं, नहीं था नशा नहीं था छूटता जी मेरा सर। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भगत समाज को, कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझें, ज्ञान को सुने, और ज्ञान को सुन के समझ के आप उनसे नाम दीक्षा ले, आपकी जैसी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो 100% संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से आपकी वो समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर लोग एक बात जरूर कहेंगे, जो संत जेल में हैं, जिनके ऊपर खुद इतनी सारी विपत्तियां हैं, या ये कहें कि वो स्वयं इतना परेशान है, वो दूसरों की परेशानी कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसा सर, जैसे कबीर साहब भी आए इस धरती पे, नानक जी हुए, जिन्होंने भी सत्य का प्रचार किया है ना, सत्य बोला है, उनको परेशानी ही झेलनी पड़ी है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना कि
जो परमात्मा की विधि में लिखा हुआ है कि जो सत्य बोलेगा, सत्य परेशान हो सकता है पर मिट नहीं सकता। अगर सत्य पर चलने पर संत रामपाल जी महाराज जी को इतनी सारी परेशानी आ रही है तो आम लोगों को कितनी परेशानी आ रही होगी। सर ऐसा है, धीरे धीरे ये जो समाज है ना, ये रंगा पड़ा है, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना में भी बताते हैं कि शास्त्रों में बताते हैं कि ये जो लोक है ये काल का लोक है। हम काल की भक्ति कर रहे हैं, काल के यहाँ फंसे पड़े हैं। जब हम पूर्ण परमात्मा को जानेंगे, कि आज तक तो यही बता रहे हैं सबको परमात्मा निराकार है। परमात्मा तो वेदों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा तो साकार है, मनुष्य दृश्य है, हमारे जैसा ही है, हमारा सृजनहार। तो जब हमको पता चलेगा कि परमात्मा हमारे जैसा है, हम पूरा ज्ञान को समझेंगे, ज्ञान को परखेंगे, तो हमको सारी दुविधा हमारी हट जाएगी और हमको पूर्ण परमात्मा का पता चलेगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।